गाइस क्या आपको पता है अगर ट्रेन के दोनों ड्राइवर अगर सो गए तो क्या होगा, ये जानेंगे पूरे इस वीडियो में। लंबे रास्ते वाली जो ट्रेन होती है उनमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन को हैंडल करके स्टेशन तक पहुंचाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल के इंजन में एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है कि यदि कुछ समय तक रेल के इंजन में कोई हरकत ना की जाए तो वह मशीन कुछ समय बाद ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती है। ट्रेन के इंजन में VCD डिवाइस लगी होती है। इसका पूरा नाम विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस है। इसमें 60 सेकंड का टाइमर चलता रहता है। इस 60 सेकंड में यदि ट्रेन के पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट द्वारा कोई हरकत जैसे कि ट्रेन का हॉर्न बजाना, ब्रेक लगाना और स्पीड बढ़ाना करता है तो टाइमर वापस स्टार्ट हो जाता है। यदि इन 60 सेकंड तक पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट किसी भी तरीके से कोई हरकत नहीं करते तो अगले 8 सेकंड तक VCD यूनिट एक लाइट लगाती है। यदि इन 8 सेकंड में भी दोनों में से कोई हरकत नहीं करता तो अगले 8 सेकंड तक एक बजर बजने लगता है जो कि मशीन को चालू होने की वार्निंग देता है। यदि इन 76 सेकंड में पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट द्वारा VCD एक्नॉलेज नहीं किया जाता तो ट्रेन द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगा दिए जाते हैं और गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है और इस तरीके से किसी बड़े हादसे से बचा जा सकता है।